वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि अगर कार्तिक आर्यन के फैन हो तो वीडियो को अभी बंद कर दो, क्योंकि भूल भुलैया 3 का ट्रेलर आ चुका है और मैं उसके बारे में कुछ ऐसी बात कहूंगा जो सबको शायद अच्छी ना लगे। तो मूवी रिलीज होने वाली है सिंघम अगेन के साथ और इसका होने वाला है तगड़ा वाला क्लैश। अब कौन जीतेगा बॉक्स ऑफिस पे वो तो कुछ दिनों में पता ही चल जाएगा। तो ऑनेस्टली एक बात बोलता हूँ बिना बायस्ड हुए, ट्रेलर में कुछ सही गया ही नहीं, जो भी चीजें ये गलत करते थे वो सब करते चले गए। पहले तो ये होप लगाओ ही मत कि भूल भुलैया 1 जैसी मूवी ये लोग दोबारा बना सकते हैं, कि उसमें कुछ और ही बात थी जो आज भी देख लो तो मजा आ जाती है। ये मूवी भूल भुलैया 2 जैसी ही होने वाली है, इसमें हॉरर तो भूल ही जाओ, क्योंकि कौन सा ये लोग भूल भुलैया 2 में हमें तब्बू से डरा पाए थे। बाकी कॉमेडी की बात करो तो आधी ज्यादा क्रिंज होगी और हाँ कभी कभार शायद हंसी आ भी जाए, क्योंकि भूल भुलैया 2 मेरे लिए एक एवरेज मूवी से ज्यादा कुछ थी ही नहीं। खैर आप भूल भुलैया 2 जैसी ही बना दो ना, पर एक कॉन्टिन्यूटी वाली चीज तो रखो जो इन्होंने पूरी गायब कर दी है, क्योंकि जैसे कि यहाँ की मूवीज का रिकॉर्ड रहा है कि हीरो तो सेम रहता है पर हर मूवी में हीरोइन को चेंज कर देते हैं, पिछली वाली स्टोरी से कोई कनेक्शन नहीं है, तो फ्रेंचाइज या सीरीज बनाने का फायदा क्या है। इसीलिए इस मूवी में तृप्ति डिमरी को ले लिया गया है और कियारा आडवाणी को हटा दिया गया है। अब तृप्ति डिमरी को क्यों लिया गया है वो भी बहुत ज्यादा पॉपुलर चल रही है, चलो मान लिया आप ये करते आ रहे हो तो ये भी कर लिया। पर ट्रेलर में हमें 2 ऐसे ब्लंडर देखने को मिले जिसको देख के लग रहा था कि यार ये तो सबसे ज्यादा होपफुल चीजें हैं, इसको आपने ब्लंडर में कन्वर्ट कैसे कर दिया। विद्या बालन और माधुरी दीक्षित, सबसे पहले तो दोनों का आमी मंजूली का चिल्ला के बोलने का कोई सेंस नहीं बना रहा था। जब विद्या बालन ने बोला तो ऐसा लगा हाँ ये वही विद्या बालन है जिन्होंने इतनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी थी भूल भुलैया 1 में अवनी बन के, और जो कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी। और जब माधुरी दीक्षित बोलती हैं आमी मंजूली का तब तो यार हंसी छूट गई। मैं अभी से गारंटी दे देता हूँ मूवी में बहुत सारे ऐसे हॉरर सीन्स होंगे जिसमें मूवी चाहेगी कि आप डरो पर एक्चुअल में आप हंसोगे, और ट्रेलर उसका जीता जागता प्रूफ है। बाकी सपोर्टिंग कास्ट में जितने भी एक्टर्स हैं वो कॉमेडी अच्छी कर लेते हैं, ये उनकी क्वालिटी है, पर डिपेंड करता है कि उनको डायलॉग्स कैसे मिले। कार्तिक आर्यन तो जैसे थे फर्स्ट मूवी में वो वैसे ही सेम रहने वाले हैं, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होगा, उनकी ज़्यादातर मूवीज़ में सेम ही कैरेक्टर वो प्ले करते रहते हैं। पर इस फ्रेंचाइज के लिए सैड इसलिए फील होता है कि भूल भुलैया 1 बहुत ही ज़्यादा अच्छी मूवी थी, आप कितना अच्छा बिल्ड कर सकते थे वहाँ से, कितनी अच्छी सीरीज और कितना अच्छा तगड़ा सिनेमैटिक फ्रेंचाइज बना सकते थे, और आप बना रहे हो ये। कंपेयर करना तो नहीं चाहिए पर अभी रिसेंटली रिलीज 3-2 ने भी कॉन्टिन्यूटी भी बैठा ली, क्वालिटी भी मेंटेन कर ली, और वो अपने यूनिवर्स को सीरियसली भी ले रहे हैं। ओवरऑल यही था, ट्रेलर कुछ खास लगा नहीं, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है। हाँ भूल भुलैया 2 जैसी हो सकती है और मे बी शायद उससे भी नीचे निकल जाए। तो आप बताओ आपको भूल भुलैया 3 का ट्रेलर कैसा लगा, और वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।